गाइस होप करता हूँ आप लोगों ने फोटोशॉप करना स्टार्ट कर दिया होगा और आपके मन से फोटोशॉप का डर हट चुका होगा क्योंकि मैंने एकदम सिंपल वे पे फोटो एडिटिंग करना सिखाया। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ ही दिनों में मुझसे भी अच्छा एडिटिंग करने लग जाओगे। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर में है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फोटो एडिटिंग कर पाओगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप फोटोशॉप में अपने फोटो को एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो को देखना, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे आपको ये वीडियो में कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो पहले आप वो वीडियो को देख के आओ। और लास्ट वीडियो में थोड़ा मैंने बेसिक सिखाया, बेसिक में मैंने आप लोगों को कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन करना सिखाया। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, उतना भी ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभी, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार आपके हमारे यूट्यूब चैनल एडिफिनिशन फोटोग्राफी पे। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे फिल्टर, उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ 15.4। अगर आप लोगों के पास 15.4 है तो वहाँ पे आपको मास्किंग का ऑप्शन मिलेंगे, तो हम जाएंगे मास्किंग पे। उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको पर्सन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आप लोगों को फेशियल स्किन, बॉडी स्किन, आईब्रो, लिप्स, आइरिस, टीथ, हेयर, क्लोथ्स बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या करेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं टीथ करेक्शन करने वाला हूँ। तो टीथ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट, उसके बाद हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा लेंगे 20, उसके बाद कंट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे +10, और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे 19 तक। तो देख सकते हैं आप बिफोर आफ्टर, और थोड़ा कर लेता हूँ लगभग 30 तक, तो आप सही लग रहा है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। उसके बाद ओके, तो अभी हमारा टीथ सही लग रहा है। अभी हम आई पे रिटचिंग करेंगे, फिर से फिल्टर, कैमरा फिल्टर, मास्किंग, अभी आइरिस और आइस कलर को लेंगे। और क्रिएट, उसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे लगभग 25, शेडो को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे 10, व्हाइट को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे 10, टेम्परेचर को थोड़ा -5, सही लग रहा है ओके। देख सकते हैं आप बिफोर आफ्टर। अभी बाल मेरा थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है, तो इसको भी थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद फिल्टर, कैमरा फिल्टर, मास्किंग, उसके बाद हेयर को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट, तो इसका हाईलाइट थोड़ा डाउन करेंगे लगभग 20 तक, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अप करेंगे 20 तक, और ब्लैक को थोड़ा डाउन करेंगे -5। देख सकते बिफोर या आफ्टर, ओके। उसके बाद थोड़ा फेस को भी थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर रहा हूँ। पिंपल को थोड़ा हटा लेते हैं। उसके बाद फिल्टर, फोटो टूल बॉक्स, स्किन फाइनर। अगर आप लोगों के पास कैमरा रॉ 15.4 और स्किन फाइनर नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो देख सकते हैं मेरा फेस स्मूथ पूरा हो चुका है। तो ज़्यादा आपको स्मूथनिंग नहीं करना है, थोड़ा नेचुरल टोन रखना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सब कुछ डाउन करने वाला हूँ। यह है बिफोर, यह है आफ्टर, आप स्पेस बार से भी चेक कर सकते हैं।
कॉर्से को थोड़ा डाउन करेंगे लगभग 25 तक, और मीडियम को भी थोड़ा डाउन 51। और अमाउंट को थोड़ा कम करेंगे 50 तक। तो अभी मेरा सही लग रहा है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और यहाँ पे आपको प्रीसेट भी मिल जाएंगे, स्किन टोन, कंट्रास्ट, लाइटिंग हाई, लाइट, मीडियम। और यहाँ पे आपको स्किन इम्प्रेशन और स्किन टोन भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाऊँगा +5। मेरा कलर सही लग रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं कॉर्से को थोड़ा डाउन कर दूँगा 30, और मीडियम को भी 51 तक, और अमाउंट को भी थोड़ा कम कर देंगे 50 तक। तो मेरा फ़ोटो अभी सही लग रहा है। तो मेरा अभी सब कुछ स्मूथ हो चुका है, हाथ, उसके बाद ज्वेलरी, सब कुछ स्मूथ हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा इसको मास्किंग कैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह छूट चुका था, तो उसको भी हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। तो हिट ओके। तो फोटोज़ को आप देख सकते हैं पूरा स्मूथ हो चुका है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको मास्किंग करना है स्किन फाइनर को। देख सकते हैं आप फोटो में थोड़ा टेक्स्चर कम है, तो अब मैं थोड़ा इस टेक्स्चर को लेने वाला हूँ सिंपल वे पे, फिल्टर में जाके, उसके बाद कैमरा फिल्टर, उसके बाद बेसिक में टेक्सचर को ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं 10 तक। तो मेरा भी टेक्सचर सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।